स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि स्टेटिस्टिक्स का क्या यूज है इकोनॉमिक्स में. स्टेटिस्टिक्स जो होती है हमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स प्रोवाइड करती है जिससे कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मेजर कर सकते हैं और उन्हें टैकल कर सकते हैं. तो इसमें हमारा आता है डाटा एनालिसिस एंड पॉलिसी. डाटा में हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें आगे जिसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जिससे कि हमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें पॉवर्टी एंड डिस्पैरिटी दैट इज डिफरेंस ग्रेट डिफरेंस डिस्पैरिटी एंड पॉवर्टी को मेजर करना है तो हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डेटा कलेक्ट करेंगे उस फैक्ट्स को डेटा कहेंगे एनालाइज और उस कलेक्टेड डेटा को हम एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है रीजन क्या है उस प्रॉब्लम का एंड फिर हम उसको टैकल करने के लिए उसको मेजर करने के लिए और उसको खत्म करने के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे.